So in this video, we are going to derive the forward kinematics model of a 5-degree of freedom articulated under-actuated manipulator. Also, we have to establish the correctness of the forward kinematics model for the home position. So जैसा आप देख सकते हो, this is a graphical representation of our 5-degree of freedom under-actuated manipulator. So जैसा आप देख सकते हो, this is link 0, this portion is link 1, this is link 2, this is link 3. इसके बाद ये जो पोर्शन है this is link 4 और लास्ट में जो पोर्शन है that is link 5, this one. ठीक, so अभी मैं आपको ये 3D में दिखा देता हूँ, but before that ये जो अपना राइट हैंड साइड पे है, ये जो हमारा है this is the geometrical representation of this ग्राफिकल ड्राइंग ऑफ द रोबोट. ठीक, सो ये हमने इसे सिंप्लीफाइड तरीके से ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में बना लिया है. अभी हम इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे काइनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन बना के. बट अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप की इमेज गिवन है देन आप ये डायग्राम तो नहीं बना सकते हो, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रफ डायग्राम लाइक दिस. सो हमेशा जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल से आपको कन्वर्ट करना है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में और इसके बाद फर्दर हमें कन्वर्ट करना है काइनेमेटिक रिप्रेजेंटेशन में, सो दैट वो और सिंप्लीफाइड हो जाए. सो अभी हम अपने 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम अंडर एक्चुएटेड रोबोट को 3D सॉफ्टवेयर की हेल्प से विजुअलाइज कर लेते हैं, सो दैट हम डिफरेंट लिंक्स और डिफरेंट जॉइंट्स के मोशन को एक बार एनालाइज कर लें. उसके बाद हम अपने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पर वापस आ जाएंगे. सो ये है हमारा 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक मैनिपुलेटर का एग्जाम्पल. सो यहाँ पे हम अपने एक मैनिपुलेटर को इसकी 3D स्पेस में फंक्शनिंग देख लेते हैं, सो दैट आपको जो इसकी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो ईजिली रिकॉल हो जाए. ठीक है, सो ये अपना मैनिपुलेटर है. एज यू कैन सी दिस इज़ अ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडस्ट्रियल मैनिपुलेटर. सो ये जो ब्लैक में पोर्शन है दिस इज़ द फिक्स्ड बेस. इसके ऊपर ये जो पोर्शन है दिस इज़ लिंक 1, दिस वन इज़ लिंक 2, दिस इज़ लिंक 3, दिस इज़ लिंक 4 और ये जो येलो कलर में है टूल प्लेट दिस इज लिंक 5. ठीक है ना. सो ये जितने भी ब्लैक पोर्शन में सर्कुलर फीचर्स हैं दीज आर दी इन हाउस मोटर्स. सो ये अपने रोबोट की मोटर्स हैं. अब इसके जितने भी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनको एक बार विजुलाइज कर लेते हैं. सो जो अपनी फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये है अपना ट्विस्टिंग जॉइंट बिटवीन द ग्राउंड लिंक एंड लिंक 1. सो इस पोजिशन पे यहाँ पे अपना ट्विस्टिंग जॉइंट है. ये हो गया अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर 1. सो दिस इज़ द फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो दिस इज़ अ ट्विस्टिंग जॉइंट. इसके बाद अपना सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है रेवोल्यूट जॉइंट. सो दिस इज़ द रेवोल्यूट जॉइंट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. सो ये अपना रेवोल्यूट जॉइंट है. नाउ थर्ड वन इज़ ऑल्सो अ रेवोल्यूट जॉइंट. ये अपना थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम है. दिस इज़ द रेवोल्यूट जॉइंट. ये इस पोजिशन पे प्लेस्ड है. नाउ अपना फोर्थ जो है दैट इज़ अगेन अ रेवोल्यूट जॉइंट लाइक दिस. सो ये अपना रेवोल्यूट जॉइंट इस पोजीशन पे है बिटवीन दिस लिंक एंड दिस लिंक. सो ये अपना फोर्थ रेवोल्यूट जॉइंट है. और अपना लास्ट का जो जॉइंट है दैट इज़ दी ट्विस्टिंग जॉइंट. सो इन टोटलिटी वी हैव 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो ये अपना लास्ट जॉइंट है. दिस इज़ अ ट्विस्टिंग जॉइंट. सो फर्स्ट जो है अपना फर्स्ट जॉइंट है ट्विस्टिंग जॉइंट. सेकेंड जॉइंट है रेवोल्यूट जॉइंट. थर्ड जॉइंट है रेवोल्यूट जॉइंट. फोर्थ जॉइंट है रेवोल्यूट जॉइंट. सो ये हो गया फोर्थ जॉइंट. ये भी रेवोल्यूट जॉइंट है. और जो लास्ट का फिफ्थ जॉइंट है दैट इज़ दी ट्विस्टिंग जॉइंट. सो ये अपना जो फिफ्थ है दिस इज़ दी ट्विस्टिंग जॉइंट. सो अब हम इसी रोबोट का फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स मॉडल डिराइव करेंगे. सो दिस इज़ द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. और जैसा आप जानते हो हमें फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स सॉल्व करने के लिए जो जॉइंट्स हैं उनके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस एज्यूम करना पड़ता है. देयरफोर वी आर एज्यूमिंग L1, L2, L3, L4 एंड L5 एज दी नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट जॉइंट्स. ठीक है ना. सो ये हमने अपने तरीके से एज्यूम करे हैं. इन प्लेस ऑफ L1, L2 एट्सेट्रा देयर कैन बी डिफरेंट नंबर्स एज वेल. सो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं. सो दिस इज़ लिंक 0 दैट इज़ फिक्स्ड. ये ब्लू वाला जो है दैट इज़ लिंक 1. दिस रेड वन इज़ लिंक 2. दिस ग्रीन वन इज़ link 3, this is link 4 purple, and ये जो last में black में है this is the end effector or the link 5. ठीक, ये जो point P है that is the end effector point or the tool point, और जो relevant link length या फिर ये जो distance है L1 L2 ये हमने mark कर रखे हैं in the diagram. So now the major question is you have to derive the forward kinematics of this particular under actuated manipulator. So हम क्या करेंगे, अपने regular procedure को follow करेंगे. So first just set the home position because home position set करने से हमको बाद में मॉडल को वेरीफाई करने में इजी होता है. So हमने जितनी भी रोटरी डिग्रीज ऑफ वेरिएबल हैं, बिकॉज देयर इज नो प्रिज्मेटिक जॉइंट, देयरफॉर ऑल द 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर रोटरी वेरिएबल्स. सो हमने सबको 0 डिग्री पुट कर दिया है. ये अपनी होम पोजीशन हो गई. नाउ इन द सेकंड स्टेप वी हैव टू मेक द काइनेमेटिक डायग्राम. अभी तक हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखी थी. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहो तो इसका काइनेमेटिक डायग्राम बना सकते हो. सो काइनेमेटिक डायग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं. सो सबसे पहले हम ये फिक्स्ड लिंक बनाएंगे, दैट इज़ दी बेस लिंक. सो फिक्स लिंक बनाने के लिए आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हो. मैं सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करूँगा लाइक दिस. सो ये हो गया अपना फिक्स्ड लिंक, और इसके बाद फिक्स्ड लिंक और लिंक 1 जो कि ब्लू कलर में है, इन दोनों के बीच में देयर इज़ दिस जॉइंट 1 जो कि ट्विस्टिंग जॉइंट है यहाँ पर इस टाइप से. सो दिस इज़ अ ट्विस्टिंग जॉइंट. सो पहले हमें लिंक 1 और लिंक 0 के बीच में ट्विस्ट जॉइंट बनाना होगा. सो लिंक 0 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर की तरफ. नाउ हम यहाँ से बनाएंगे ट्विस्टिंग जॉइंट. सो हम रफली बना रहे हैं. ठीक, सो दिस इज़ दी काइनेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्विस्टिंग जॉइंट. आप चाहो तो अपनी भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हो. सो ये हो गया अपना ट्विस्टिंग जॉइंट. ओके, सो ये जो डिस्टल एंड से प्रॉक्सिमल एंड तक का लिंक है नीचे वाला, सो दिस इज़ लिंक 0. सिमिलरली इस वाले एंड से ऊपर तक का दिस इज़ लिंक 1, और लिंक 1 और लिंक 0 के बीच में दिस इज़ जॉइंट 1, दैट इज़ दी ट्विस्टिंग जॉइंट. नाउ अपना जो लिंक 1 है यानी कि ब्लू वाला लिंक और ये जो रेड वाला लिंक है लिंक 2, इन दोनों के बीच में देयर इज़ अ रेवोल्यूट जॉइंट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. सो हमें अब सिम्बॉलिकली एक रेवोल्यूट जॉइंट बनाना है. सो रेवोल्यूट जॉइंट को सिम्बॉलिकली वी कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस. सो दिस इज़ द रेवोल्यूट जॉइंट. अब रेवोल्यूट जॉइंट के बाद देयर इज़ अनदर रेवोल्यूट जॉइंट जो कि है इस पोजीशन पे, और ये लिंक 3 और लिंक 2 के बीच में है. ठीक है ना. सो अब हम एक और रेवोल्यूट जॉइंट बना लेंगे लाइक दिस. सो हम काइनेमेटिक डायग्राम को होम पोजीशन पे बना रहे हैं, दैट इज़ वाई ये इस तरीके से आ रहा है. ठीक, बिकॉज हमने सारे के सारे थीटा को 0 पुट करा है. सो यू हैव टू विजुअलाइज दिस इन 3 डायमेंशंस. सो दिस इज़ लिंक 2. अब लिंक 2 और जो आगे लिंक होगा उसके बीच में एक और रेवोल्यूट जॉइंट है. सो दिस इज़ अनदर रेवोल्यूट जॉइंट, और यहाँ से आगे जो बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी लिंक 3. सो ये अपना लिंक 3 बन गया. सो दिस इज़ लिंक 3. अब लिंक 3 और लिंक 4 को देखना. लिंक 3 और लिंक 4 इनके बीच में एक और रेवोल्यूट जॉइंट है. सो वी हैव टू अगेन मेक अ रेवोल्यूट जॉइंट. सो यहाँ पे हम रेवोल्यूट जॉइंट बनाएंगे, एंड दिस वन इज़ लिंक 3, और इसके बाद आगे जो लिंक होगी दैट इज़ लिंक 4. सो ये जो लिंक हुई ये होगी लिंक 4. सो दिस इज़ लिंक 4. अब लिंक 4 और लिंक 5 को देखना. सो जब आप लिंक 4 को देखोगे ये पर्पल वाला लिंक और ये जो लिंक 5 है ये ब्लैक वाला. सो इन दोनों के बीच में एक ट्विस्टिंग जॉइंट है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ लाइक दिस. सो रोटेशन इस टाइप से होगी अबाउट दिस एक्सिस. देयरफॉर हमें एक ट्विस्टिंग जॉइंट बनाना होगा बिटवीन लिंक 4 एंड लिंक 5. सो हम एक रफ नोटेशन यूज़ कर लेते हैं. सो वी विल मेक अ रफ डायग्राम ऑफ अ ट्विस्टिंग जॉइंट. सो आप चाहो तो कोई और रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर लेना जिसमें आप फैमिलियर हो. ठीक, सो दिस इज़ ट्विस्टिंग जॉइंट. सो दिस इज़ लिंक 5, और अपना लिंक 5 का जो डिस्टल एंड है सो ये अपना ब्लैक वाला लिंक 5 है, इसके डिस्टल एंड पे वी हैव अ टूल पॉइंट और द एंड फैक्टर। सो सिम्बॉलिकली हम इसे बना लेंगे। सो लिंक 5 के डिस्टल एंड पे दिस इज द टूल पॉइंट और ये जो पॉइंट आया इसको हमने बोल दिया पॉइंट पी। सो दिस इज द काइनेमेटिक डायग्राम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट। नाउ हम जो हमें कांस्टेंट डिस्टेंस गिवन है उसको हम एक बार रफली मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। सो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस जॉइंट एंड दिस जॉइंट, सो ये हमें गिवन है दिस इज रफली इक्वल टू L1। सो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू L1। सिमिलरली बिटवीन दिस रेवोल्यूट जॉइंट एंड दिस रेवोल्यूट जॉइंट द डिस्टेंस इज L2। सो अगेन हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू L2। सिमिलरली ये वाला रेवोल्यूट और नेक्स्ट रेवोल्यूट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू L3। सो ये डिस्टेंस हो गया अपना L3। सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू L3। नेक्स्ट रेवोल्यूट जॉइंट और ट्विस्टिंग जॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू L4। ये यहाँ से आपको पता चलेगा, रेवोल्यूट जॉइंट और ट्विस्टिंग जॉइंट के बीच का डिस्टेंस है L4। सो इसको मार्क कर लेंगे अपने डायग्राम में। सो ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू L4। नाउ ट्विस्ट जॉइंट से लेके एंड इफेक्टर तक के जॉइंट के डिस्टेंस को, सॉरी एंड इफेक्टर तक के डिस्टेंस को इट इज़ गिवन बाय L5। सो हम इसको मार्क कर लेंगे अपने काइनेमेटिक डायग्राम में। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू L5। ओके, सो विद दिस वी हैव मेड दी काइनेमेटिक डायग्राम। नाउ अब जो अपना स्टेप है दैट इज टू कंस्ट्रक्ट द डिफरेंट जॉइंट एक्सेस। सो जैसे कि अपना ट्विस्टिंग जॉइंट है, सो दिस एक्सिस इज द एक्सिस अबाउट विच द रोटेशन इज टेकिंग प्लेस। सो ये हो गई अपनी Z0। सिमिलरली ये है अपना रेवोल्यूट जॉइंट। रेवोल्यूट जॉइंट की जो एक्सिस है दैट इज गोइंग टू बी आइदर कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन और गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। सो ये हम पे डिपेंड करता है। सो हमने इसे कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन एज्यूम कर लिया है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Z1। आप चाहो तो इसे अंदर भी ले सकते हो, उससे आपके फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। सो हमने इसे कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ एज्यूम कर लिया, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। नाउ दिस इज सेकंड रेवोल्यूट जॉइंट। इसकी भी एक्सेस क्या हो सकती है, या तो कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर हो सकती है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर हो सकती है। सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू अलाइन दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस Z एक्सेस। सो Z1 की डायरेक्शन में ही इसको अलाइन करने में ज़्यादा बेटर अप्रोच है। सो हमने Z2 को Z1 की डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। सिमिलरली एक थर्ड रेवोल्यूट जॉइंट है, सो Z3 को हमने कर दिया अपने Z2 की डायरेक्शन में अलाइन। सो दिस इज़ गोइंग टू बी Z3, इसको Z2 के साथ अलाइन कर दिया सेम डायरेक्शन में। नाउ दिस इज़ अ ट्विस्टिंग जॉइंट। सो दिस इज़ द एक्सिस अबाउट विच रोटेशन इज़ टेकिंग प्लेस। सो इसका नेचुरली जो डायरेक्शन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। ये अपनी ट्विस्ट जॉइंट की एक्सेस हो गई। सो दिस इज Z4 जो कि राइट हैंड साइड को जा रही है, और अपना जो एंड इफेक्टर पॉइंट है इसकी जो Z एक्सेस होगी दैट इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोच वेक्टर, या फिर आप सिंपली बोले तो इसको प्रीवियस Z एक्सेस की डायरेक्शन में आप बना सकते हो। सो दिस इज नॉर्मली द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोच वेक्टर ऑफ द रिस्ट। सो इसको हमने Z5 ले लिया, ठीक है। सो अभी हमने अपनी सारी Z एक्सेस बना ली है। नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू मार्क द डिग्री ऑफ फ्रीडम और द वेरिएबल्स। सो Z0 के अबाउट जो वेरिएबल है दैट इज़ द रोटरी वेरिएबल और थीटा 1। Z1 के अबाउट जो हमारा वेरिएबल है दैट इज़ थीटा 2। Z2 के अबाउट जो वेरिएबल है दैट इज़ थीटा 3। Z3 के अबाउट जो वेरिएबल है दैट इज़ थीटा 4, और Z4 के अबाउट जो रोटरी वेरिएबल है दैट इज़ थीटा 5। There is no linear variable because there is absence of any prismatic joint in this particular robot. Therefore, जितनी भी degree of freedom है हमारी वो सारी के सारी rotary variables हैं from थीटा 1 to थीटा 5. On the end effector frame, there is absence of any rotation. That is why यहाँ पर हमारा कोई भी रोटरी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। सो अभी हमने अपनी z एक्सेस मार्क कर ली है। नाउ इट इज़ द टाइम टू मार्क दी डिफरेंट x एक्सेस ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रेम्स। सो ये अपने इंटरमीडिएट फ्रेम्स हैं, फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4। सो सबसे पहले हम फ्रेम 2 की x एक्सेस को मार्क करेंगे। फॉर दैट जो अपना सॉरी दिस इज़ ऑल्सो इंटरमीडिएट फ्रेम। सो फ्रेम 1, 2, 3 एंड 4 ये अपने इंटरमीडिएट फ्रेम्स हैं। सो हम सबसे पहले अपने फ्रेम 1 की x एक्सेस को मार्क करेंगे। सो वी आर गोइंग टू मार्क x1। x1 के लिए आपको देखना पड़ेगा z0 और z1 को। सो z0 जा रहा है अपना वर्टिकली अपवर्ड और z1 आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर। सो दोनों इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ z0 क्रॉस z1, इन द डायरेक्शन ऑफ z0 क्रॉस z1 दैट इज इन दिस डायरेक्शन हम अपने x1 का डायरेक्शन बनाएंगे लाइक दिस। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ z0 एंड z1 यानी कि ये पॉइंट, ये अपना जो पॉइंट है ये ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 हो जाएगा। सो ये जो एक्सेस है ये हो गई अपनी x1। अब फ्रेम 1 में हमारे पास z एक्सेस है, x एक्सेस है। वी हैव टू यूज़ दी राइट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए ये जो डायरेक्शन है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ y1। इसी के साथ हमारा फ्रेम 1 कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज़ कोऑर्डिनेट फ्रेम 1 एंड दिस पॉइंट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1। सो फॉलोइंग द सिमिलर अप्रोच वी आर गोइंग टू असाइन डिफरेंट एक्सेस टू फ्रेम नंबर 2। सो अब सबसे पहले फ्रेम 2 में हमारे पास z2 का डायरेक्शन है कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। वी हैव टू असाइन x2। सो x2 के लिए हमको z1 और z2 के डायरेक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। So this is z1 coming out of the computer screen, this is z2 coming out of the computer screen। दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेन्स में हैं, therefore इन दोनों के बीच का जो कॉमन नॉर्मल है यानी कि ये वाला डिस्टेंस, इसी के अलोंग हमारा x2 बनेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम z1 एंड कमिंग टुवर्ड्स z2। सो ओनली पॉसिबल डायरेक्शन इज दिस। सो ये हो गया अपना x2 और फॉलोइंग द राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए z2 से x2 की तरफ जब आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे सो थंब इज़ गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज़ y2। इसी के साथ ये जो पॉइंट आया अपना दिस इज़ ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 और ये जो ट्रायड है दिस इज़ कोऑर्डिनेट फ्रेम 2। सो सिमिलरली हम अपने फ्रेम 3 को देखते हैं। सो दिस इज़ z3, दिस इज़ z2 और z3 दोनों कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहे हैं और दोनों z2 और z3 पैरेलल प्लेन्स में हैं, देयरफॉर जो x3 बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अलोंग दी कॉमन नॉर्मल, इसके अलोंग, और इसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज़ अवे फ्रॉम z2 एंड टुवर्ड्स z3। सो ओनली पॉसिबल डायरेक्शन इज़ दिस। ये हो गया अपना x3 और राइट हैंड रूल फॉलो करते हुए we will just make the y3 axis। so this is going to be y3। ये अपना y3 हो गया। इसी के साथ ये जो पॉइंट आया this is the origin of frame 3 and this thing is frame 3, ठीक है। अब अपने फ्रेम 4 को देखते हैं। so ये अपनी z एक्सेस पास हो रही है इस डायरेक्शन में। अब मैंने इसको यहाँ से बनाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी z एक्सेस जॉइंट के सेंटर से ही स्टार्ट हो रही है। एक्सेस का डायरेक्शन है, so एक्सेस अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन z4 हमारी रहेगी, ठीक। सो z4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन z4 एक्सेस हमारी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब अपना बनाना है हमें, वी हैव टू मेक x4। सो x4 के लिए हमको एनालाइज करना पड़ेगा z4 को और z3 को। सो अगर z4 देखोगे सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ z4। ये हो गया अपना z4 और ये हो गया अपना z3। सो z3 इज़ कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, z4 इज़ गोइंग टुवर्ड्स द राइट। सो अगर मैं z4 को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, सो इसको अगर मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं यूजिंग रेड कलर, सो यहाँ से लेके हमने इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस अगर कर दिया और मैं डबल लाइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। सो ये हो गया z4, ये रेड वाला z4, ये ग्रीन वाला x3। सो z4 हमारा z3 को आके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द डीएच एल्गोरिदम ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी दी ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4. सो ये अपने फ्रेम 4 का भी ओरिजिन हो गया. इसका मतलब अपनी z एक्सेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है. सो z4 इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सो ये अपना ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4 हो गया. अब हमें बनाना है x4. सो x4 होगा अपना z4 और z3 का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर अलोंग एनी डायरेक्शन हम इसे ले सकते हैं. ठीक. सो ये हो गया अपना z3 कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन और ये हो गया अपना z4. सो z3 और z4 का जो प्लेन है इसी के अलोंग हम अपने x4 को ले सकते हैं. सो ओनली डायरेक्शन इज आइदर वर्टिकली अपवर्ड, इस डायरेक्शन में बना लूँ या फिर इसको वर्टिकली डाउनवर्ड बना लूँ. ठीक. सो ये हम पे डिपेंड करता है. सो लेट अस मेक इट वर्टिकली अपवर्ड्स. सो मैंने डबल लाइन यूज़ करी है. ठीक. सो ये जो ग्रीन वाला है दिस इज x4. तो ये होगी अपनी x4 वर्टिकली अपवर्ड. आप इसे वर्टिकली डाउनवर्ड भी बना सकते हो. ठीक. सो हमने इसे वर्टिकली अपवर्ड बनाया. अब कोऑर्डिनेट फ्रेम 4 में जिसका ओरिजिन यहाँ से पास हो रहा है जो कि ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 से कोइंसिडेंट है, ये हो गई अपनी z4. सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ z4, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ x4. नाउ वी हैव टू यूज़ द राइट हैंड रूल एंड वी हैव टू क्रिएट y4. सो z4 से x4 की तरफ जब आप कर्ल करोगे सो थंब इज़ गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन. सो आई विल यूज़ डबल लाइन्स. सो ये जो ब्लू में आ रही है दिस इज़ इक्वल टू y4. ठीक. सो ये ऑलरेडी ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4 है. सो यहाँ पे हम फ्रेम 4 को भी मार्क कर देंगे. सो दिस इज़ फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4 एट द सेम पॉइंट. सो टेक्निकली इससे क्या हो रहा है, जो हमारी लेंथ 4 है L4 इज़ ऑटोमेटिकली सेट टू 0. ठीक. बिकॉज अब ये जॉइंट के सेंटर पे यहाँ पे हमारा फ्रेम ना होके फ्रेम इज़ शिफ्टेड बैकवर्ड बाय L4 यूनिट्स. ठीक. सो भले ही फिजिकल रोबोट में आपका ये डिस्टेंस होगा, काइनेमेटिक डायग्राम में फ्रेम 3 और फ्रेम 4 एक ही पॉइंट पे आकर लाया करेंगे. दैट इज़ वाई अगर आप L4 यूनिट लिखते हो सो उसकी जगह पे यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू बाय 0. ठीक है. बिकॉज हमारे ओरिजिन 3 और ओरिजिन 4 एक पॉइंट पे आके कोइंसिडेंट हो गए. सो हमने अपना फ्रेम 4 बना लिया. नाउ हमें अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम 5 बनाना है. सो इसके लिए z5 हमारे पास है. x5 के लिए वी हैव टू यूज़ द डायरेक्शन ऑफ z5 एंड z4. तो ये अपना z5 हो गया और ये अपना z4 हो गया. सो बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन, बोथ आर कोलिनियर एंड अलोंग द सेम लाइन. देयरफॉर जो x5 है दैट कैन बी टेकन अलोंग एनी ऑफ द टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस विच आर रिमेनिंग. सो या तो मैं इसको इस डायरेक्शन में ले लूँ, इस पूरे डायरेक्शन में, और आई कैन टेक इट इन दिस डायरेक्शन. सो ये हम पे डिपेंड करता है. सो इट इज़ गुड आइडिया टू ऑलवेज अलाइन योर नेक्स्ट x एक्सेस विद द प्रीवियस x एक्सेस. यानी कि जो x5 बनेगी इसको हमेशा x4 के साथ अलाइन करने में ही ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ पे जो कांस्टेंट एंगल होता है वो हमारा 0 हो जाता है. सो हमारा प्रीवियस फ्रेम का x एक्सेस वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है. सो हम अपने नेक्स्ट फ्रेम के x एक्सेस को भी प्रीवियस वाले के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे. उससे हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो थोड़ी ईजी हो जाती हैं. सो हमने इसको इस डायरेक्शन में बना दिया और ये बन गया अपना x5. आप चाहो तो इसको कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर भी बना देते, बट वहाँ पर आपको थीटा 4 + 90 डिग्री लेना पड़ता. ठीक. सो ये +90 हमको ना लेना पड़े इसलिए हमने उसको x5 को x4 की डायरेक्शन में अलाइन कर दिया. उससे कांस्टेंट एंगल की वैल्यू 0 हो जाती है. ठीक. सो हमने x5 को x4 की डायरेक्शन में अलाइन कर दिया. अब कोऑर्डिनेट फ्रेम 5 में वी हैव z5, वी हैव x5. वी विल यूज़ द राइट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए वी विल मेक द डायरेक्शन ऑफ y5. सो दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. सो ये जो पॉइंट आया पॉइंट दिस इज़ ओरिजिन ऑफ फ्रेम 5 एंड दिस वन इज़ फ्रेम 5. सो बिकॉज ऑफ द काइनेमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फ्रेम्स L4 जो आएगा अपना ये 0 आएगा. अब कई सारी बुक्स में क्या होता है, कई ऑथर्स इस डिस्टेंस को लेते ही नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो 0 होना है, तो वो लेते ही नहीं है. बट हम क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं वी डू नॉट नो कि जो एक्सेस हैं वो एक दूसरे को कट करेंगी या फिर एक ही पॉइंट पे हमारे ओरिजिन्स आएंगे. दैट इज़ वाई हम तो एक जेनरिक केस लेके कर रहे हैं. सो हमने इस डिस्टेंस को कंसिडर करा, बट काइनेमेटिक्स ने हमें यह बताया कि ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 एंड ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4 दे आर कोइंसिडेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. देयरफॉर ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्रेम बनना था यहाँ पर वो शिफ्ट हो गया बैकवर्ड और वो फ्रेम 3 पे ओवरलैप कर गया. दैट इज़ वाई टेक्निकली ये जो डिस्टेंस है अपना जीरो आ गया। सो ये हमारा हो गया काइनेमेटिक डायग्राम कंप्लीट, हमने फ्रेम असाइनमेंट कर लिया है। नाउ वी हैव टू क्रिएट दी DH टेबल। सो ये है अपना DH पैरामीटर टेबल, बट बिफोर दैट हम अपना फ्रेम ज़ीरो बनाना भूल गए हैं। सो लेट मी जस्ट मेक इट। Z0 हमारे पास ऑलरेडी है, सो Z0 के बाद वी हैव टू मेक X0। सो X0 इज़ मेड इन द डायरेक्शन ऑफ X1 इन दी होम पोजीशन। सो ये X1 है अपनी होम पोजीशन में, हम इसी से अलाइन करते हैं अपने X0 को, सो दैट जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना थीटा का, यानी थीटा 1 प्लस समथिंग, वो समथिंग को ज़ीरो करना है, इसलिए हमें X0 को X1 के साथ अलाइन करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज़ द राइट हैंड रूल इन फ्रेम जीरो टू क्रिएट दी Y0 एक्सेस। सो Z0 से X0 की तरफ कर्ल करोगे, सो यू विल गेट दिस डायरेक्शन। सो ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Y0, आई एम सॉरी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस Y0। ठीक है ना, जब आप Z0 से X0 की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे, देन योर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन द डायरेक्शन दैट इज इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। सो ये अपना माइनस Y0 है, सो इसको बेटर होगा हम इसको इस डायरेक्शन में बना लें। ठीक, सो दिस इज़ गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, और ये हो गया अपना Y0, और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। फिर दिस, ये जो अपना पॉइंट आया दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम ज़ीरो, एंड दिस ट्रायड इज़ फ्रेम ज़ीरो। सो नाउ वी आर अ पोजिशन टू कम्प्लीट द DH पैरामीटर्स टेबल। सो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फिल करेंगे, सो दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम वन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ज़ीरो। इसके लिए हमें फ्रेम वन को एनालाइज करना पड़ेगा फिक्स्ड फ्रेम यानी फ्रेम ज़ीरो के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले थीटा आई, थीटा आई मतलब फ्रेम ज़ीरो को Z0 के अबाउट कितना रोटेट करना है, सो दैट X0 और X1 के बीच में जो एंगुलर ऑफसेट है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब कोई भी एंगल ना रहे। सो X0 और X1 ऑलरेडी दोनों पैरेलल हैं, देयरफॉर इनके बीच में कांस्टेंट पार्ट एंगल का ज़ीरो है, बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि Z0 पे देयर इज़ अ रोटरी वेरिएबल थीटा वन, सो वी विल ऐड थीटा वन। सो 0 प्लस थीटा वन, यू कैन सिंपली राइट थीटा वन। ठीक, सो ये हो गया अपना थीटा आई की वैल्यू। नाउ हम देखते हैं डी आई की वैल्यू। सो डी आई इज़ दी ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ज़ीरो इन द डायरेक्शन ऑफ Z0, सो दैट X0 और X1 के बीच में ये जो ऑफसेट है ये ज़ीरो हो जाए। सो अगर हम L1 यूनिट से अपना फ्रेम ज़ीरो को Z0 की डायरेक्शन में मूव कर दें, सो X0 और X1 ओवरलैप कर जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा L1। नाउ देखते हैं AI। सो AI इज़ दी ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ज़ीरो इन द डायरेक्शन ऑफ X1, सो दैट अपने Z0 और Z1 के बीच में जो ऑफसेट है इन दिस डायरेक्शन वो ज़ीरो हो जाए। सो ऑलरेडी Z0 और Z1 एक दूसरे को इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर इनके बीच में जो ऑफसेट है यानी जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी ज़ीरो है। सो हमको अपने फ्रेम ज़ीरो को मूव नहीं करना है इन द डायरेक्शन ऑफ X1, दैट इज़ वाई AI इज़ ज़ीरो। नाउ अल्फा आई, सो अल्फा आई इज़ द रोटेशन ऑफ फ्रेम ज़ीरो अबाउट X1। फ्रेम ज़ीरो को X1 के अबाउट कितना रोटेट करना है, सो दैट एंगल बिटवीन Z0 एंड Z1 बिकम ज़ीरो। सो Z0 अपना ऐसे जा रहा है, और अगर मैं सेम पॉइंट से बनाऊँ Z1 इज़ कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, सो दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका जो साइन है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा राइट हैंड रूल। सो अगर मैं Z0 से Z1 की तरफ कर्ल करूँ, सो माई थंब इज़ गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ थंब, एंड ऑल्सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस अबाउट विच वी आर टेकिंग द रोटेशन, यानी कि X1 का भी डायरेक्शन यही है, देयरफॉर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव 90 डिग्री। एंड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि X1 के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं ना, सो इस एक्सिस पे देयर इज़ एब्सेंस ऑफ रोटरी वेरिएबल, देयरफॉर यहाँ पे आएगा 0 डिग्री। सो 90 प्लस 0, यू कैन जस्ट राइट प्लस 90 डिग्री। अब हम अपनी सेकेंड रो को कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट रो हमारी हो गई है, इन सेकेंड रो वी हैव टू एनालाइज फ्रेम टू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम वन। सबसे पहले थीटा आई को देखते हैं। सो ये है अपना फ्रेम टू, इसको हमें एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम वन। सो थीटा आई मतलब रोटेशन ऑफ फ्रेम वन अबाउट Z1 एक्सेस, सो दैट X1 और X2 के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाए। सो X1 और X2 ऑलरेडी पैरेलल हैं, इनके बीच में जो कांस्टेंट एंगल है वो ज़ीरो है, बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन वी हैव अ रोटरी वेरिएबल यानी थीटा टू। सो यहाँ पे थीटा टू ज़ीरो में ऐड होगा और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा टू इन द कॉलम ऑफ थीटा आई. सो थीटा आई की जगह पे हमने लिख दिया थीटा टू. अब हम देखते हैं डी आई. सो डी आई इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम वन इन द डायरेक्शन ऑफ जेड वन सो दैट एक्स वन और एक्स टू के बीच में जो ऑफसेट है वो जीरो हो जाए. सो ऑलरेडी एक्स वन और एक्स टू अलाइन है और एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं. देयरफॉर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड वन इनके बीच में जो डिस्टेंस है यानी जो ऑफसेट है वो जीरो है. देयरफॉर यहाँ पे डी आई की जगह पे हम लिख देंगे जीरो. नाउ ए आई. सो ए आई इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम वन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स टू सो दैट जेड वन और जेड टू के बीच में जो ऑफसेट है वो जीरो हो जाए. सो कितना ऑफसेट है? ऑफसेट की वैल्यू है एल टू. सो अगर हम उसे एल टू यूनिट मूव कर दें फ्रेम वन को इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स टू देन हमारा जेड वन और जेड टू एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा और ये जो एल टू ऑफसेट है ये जीरो हो जाएगा. ठीक. देयरफॉर ए आई की जगह पे लिखा एल टू. नाउ एल्फा आई. सो एल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम वन अबाउट द एक्स टू एक्सेस के अबाउट. फ्रेम वन को कितना रोटेट करें सो दैट जेड वन और Z2 के बीच में जो एंगल है वो जीरो हो जाए. सो Z1 और Z2 दोनों ही कंप्यूटर स्क्रीन से परपेंडिकुलरली बाहर आ रहे हैं आउटवर्ड. सो दोनों के बीच में जो कांस्टेंट एंगल है वो जीरो है बिकॉज Z1 इज पैरेलल टू Z2 बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन वी डू नॉट हैव एनी रोटरी वेरिएबल. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी X2 पे कोई भी थीटा वगैरह प्रेजेंट नहीं है. दैट इज़ वाई वी विल टेक 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हो गया 0. ठीक है. सो ये हो गई अपनी सेकेंड रो. नाउ वी आर गोइंग टू फिल दी थर्ड रो. सो थर्ड रो में फ्रेम थ्री और फ्रेम टू को देखा जाएगा. सो वी विल एनालाइज फ्रेम थ्री विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम टू. सबसे पहले थीटा आई. सो जो थीटा आई है दैट इज़ दी रोटेशन ऑफ फ्रेम टू अबाउट जेड टू सो दैट एक्स टू और एक्स थ्री के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाए. सो एक्स टू इधर जा रहा है, एक्स थ्री भी सेम डायरेक्शन में है. एक्स टू और एक्स थ्री दोनों अलाइन कर रहे हैं. देयरफॉर इनके बीच में जो कॉन्स्टेंट एंगल है वो ज़ीरो है बट ऑन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि Z2 पे वी हैव अ रोटरी वेरिएबल थीटा 3. देयरफॉर इन दी कांस्टेंट पार्ट वी हैव टू ऐड दी वेरिएबल पार्ट. सो 0 + θ3 बन जाएगा अपना θ3. सो दिस इज इक्वल टू θ3. नाउ डी आई. सो डी आई इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 2 अलोंग Z2. सो हमें अपने फ्रेम 2 को Z2 के अबाउट कितना रोटेट करना है. सॉरी, डी आई इज़ दी ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम टू इन द डायरेक्शन ऑफ जेड टू यानी कि हमें अपने फ्रेम टू को जेड टू के डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेट करना है सो दैट एक्स टू और एक्स थ्री के बीच में जो ऑफसेट है इन दिस डायरेक्शन वो जीरो हो जाए. सो ऑलरेडी एक्स टू और एक्स थ्री एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे. देयरफॉर इनके बीच में जो ऑफसेट है इन दिस डायरेक्शन इज ज़ीरो. सो हम अपने डी आई की प्लेस पे लिख देंगे 0. नाउ ए आई. सो ए आई होता है अपना ट्रांसलेशन अलोंग दी एक्स एक्सिस. दैट मीन्स फ्रेम टू को एक्स थ्री के डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेट करना है सो दैट जेड टू और जेड थ्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए. सो जेड टू और जेड थ्री के बीच में डिस्टेंस है L3. सो इतना ही अमाउंट से हमें इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा. देयरफॉर ए आई पे आ जाएगा L3. अल्फा आई. सो अल्फा आई इज़ द रोटेशन ऑफ फ्रेम टू अबाउट एक्स थ्री. सो ये जो एक्स थ्री है इसके अबाउट कितना रोटेट करना है फ्रेम टू को सो दैट जेड टू और Z3 के बीच में जो एंगल है वो जीरो हो जाए. Z2 इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, Z3 इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. दैट विल मेक Z2 पैरेलल टू Z3. अब Z2 Z3 पैरेलल हैं, देयरफॉर इनके बीच में जो कांस्टेंट एंगल है वो जीरो है. एंड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि X3 पे वी डू नॉट हैव एनी वेरिएबल. देयरफॉर रोटरी वेरिएबल ना होने से हमने ये वाला पोर्शन भी जीरो कर दिया. दैट इज वाई 0 + 0 वी विल राइट 0. तो ये अपना रो 3 कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल कंप्लीट दी रो 4. सो रो 4 में वी हैव टू एनालाइज फ्रेम 4 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 3. सो फ्रेम 4 को 3 के रिस्पेक्ट में एनालाइज करना है. सो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4 दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से. ठीक है. सो हम थोड़ा इसको डिटेल में कवर करेंगे. सो थीटा आई. सो थीटा आई इज़ द रोटेशन ऑफ फ्रेम 3 अबाउट Z3. सो ये जो एक्सेस है ना, ये जो रेड में मार्क है, दिस इज Z3. Z3 के अबाउट फ्रेम 3 को कितना रोटेट करें सो दैट X3 और X4 के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाए. अब अपना X3 जा रहा है राइट साइड में, X4 जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड. दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री. अब इसका डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, मतलब साइन लेंगे. सो अगर मैं X3 से X4 की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करूँ so my thumb is going to point in this direction vertically outward, और यही डायरेक्शन अपने Z3 का भी डायरेक्शन है. देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 90 यानी प्लस 90. प्लस करेंगे वेरिएबल पार्ट. वेरिएबल पार्ट देखा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे. हम फ्रेम 3 को Z3 के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज Z3 एंड ऑन Z3 वी हैव अ रोटरी वेरिएबल थीटा 4. सो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा थीटा 4. सो ये हो जाएगा अपना थीटा आई की वैल्यू. सो थीटा आई इज 90 प्लस थीटा 4, सो वी कैन राइट थीटा 4 प्लस 90 डिग्री. अब हम देखेंगे डी आई. सो डी आई इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 3 इन द डायरेक्शन ऑफ Z3 सो दैट X3 एंड X4 के बीच में जो ऑफसेट है वो जीरो हो जाए. सो X3 X4 दोनों सेम प्लेन पे बने हैं और दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देयरफॉर इन द डायरेक्शन ऑफ Z3 जो ऑफसेट है वो ऑलरेडी जीरो है. देयरफॉर डी आई की प्लेस पे हम लिख देंगे जीरो. नाउ ए आई. सो ए आई इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 3 इन द डायरेक्शन ऑफ X4 यानी इस डायरेक्शन में फ्रेम 3 को ट्रांसलेट कराना है, सो दैट Z3 और ये जो Z4 जा रहा है, Z3 और Z4 के बीच में जो ऑफसेट है इन दिस डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ X4 वो जीरो हो जाए. सो ऑलरेडी Z3 और Z4 अपने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देयरफॉर इन दिस डायरेक्शन ऑफसेट इज ऑलरेडी जीरो. देयरफॉर अपना यहाँ पे हो जाएगा जीरो. नाउ अल्फा आई. सो अल्फा आई इज द रोटेशन अबाउट द X4 यानी ये जो X4 है इसके अबाउट कितना रोटेट कराना है अपने फ्रेम 3 को, सो दैट Z3 और Z4 के बीच में जो एंगल है वो जीरो हो जाए. सो Z3 इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, Z4 इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट. दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. अब Z3 से Z4 की तरफ जब आप जाओगे, सो योर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ X4 यानी कि उस एक्सिस का जिसके अबाउट हम रोटेट करा रहे हैं फ्रेम 3 को उसका डायरेक्शन भी यही है और Z3 से Z4 की तरफ जाने पे थंब का डायरेक्शन भी यही है. दैट इज वाई वी विल टेक प्लस 90. इसका ये तो हो गया कांस्टेंट पार्ट. वेरिएबल पार्ट में वी विल लुक इनटू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी X4, इसके अबाउट रोटरी वेरिएबल नहीं है, कोई भी रोटरी वेरिएबल नहीं है. दैट इज वाई इट इज जीरो. सो 90 प्लस जीरो वी कैन सिंपली राइट प्लस 90 डिग्री. सो इस तरीके से हमने अपना रो 4 कंप्लीट करा है. नाउ वी विल लुक इनटू रो 5. सो लास्ट रो रह गई है, इसके लिए हमें फ्रेम 5 को एनालाइज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 4. सो दिस वन इज़ फ्रेम 5, दिस वन इज़ फ्रेम 4. सबसे पहले थीटा आई. सो थीटा आई इज़ द रोटेशन ऑफ फ्रेम 4 अबाउट Z4. सो ये जो Z4 है ना, ये वाली एक्सिस, Z4 के अबाउट हम अपने फ्रेम 4 को कितना रोटेट करें, सो दैट X4 और X5 के बीच में जो एंगल है वो जीरो हो जाए. सो X4 भी ऊपर की तरफ है, X5 भी ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में जो कांस्टेंट एंगल है वो जीरो है. बट ऑन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि Z4 पे वी हैव अ रोटरी वेरिएबल थीटा 5. सो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट में वी विल ऐड थीटा 5. सो 0 प्लस थीटा 5 इज इक्वल टू थीटा 5. अब होता है डी आई की बारी. सो डी आई इज दी ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 4 इन द डायरेक्शन ऑफ Z4. फ्रेम 4 को Z4 की डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेट करना है, सो दैट X4 और X5 के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाए. सो X4 और X5 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू L4 प्लस L5. सो आई कैन सिंपली राइट L4 प्लस L5 दैट इज़ इक्वल टू L5 बिकॉज L4 हमारा आ गया था ज़ीरो. ठीक. सो इसका सिंपल वैल्यू है L5. L4 प्लस L5 आना था ये डिस्टेंस, बट L4 हमारा जीरो है बिकॉज ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 एंड ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4 आर कोइंसिडेंट एट दिस पॉइंट. देयरफॉर L4 डिस्टेंस हमारी जीरो हो गई. सो टेक्निकली मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके आगे वाले फ्रेम तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नथिंग बट L5 बिकॉज L4 अपना ज़ीरो हो गया. ठीक है. अब आया AI. सो AI है ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 4 इन द डायरेक्शन ऑफ X5 so that the distance between Z4 and Z5 becomes 0. So Z4 Z5 को लीनियर हैं और एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं. देयरफॉर इनके बीच में डायरेक्शन इनके बीच में डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ X5 इज़ ऑलरेडी ज़ीरो. देयरफॉर AI पे हम लिख देंगे ज़ीरो अब अल्फा आई है रोटेशन ऑफ फ्रेम 4 अबाउट x5। फ्रेम 4 को x5 के अबाउट कितना रोटेट करना है सो दैट एंगल बिटवीन z4 एंड z5 बिकम 0। सो z4 z5 पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट हैं। z4 एंड z5 दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, कांस्टेंट एंगल। एंड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि x5 पे वी डू नॉट हैव एनी रोटरी वेरिएबल, देयरफॉर इसका वेरिएबल पार्ट भी 0 हो जाएगा। सो 0 + 0 वी कैन राइट 0। सो इस तरीके से हमने अपना DH पैरामीटर्स टेबल फिल कर लिया है। सो लेट अस नाउ डिराइव द होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस एंड द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर दिस 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम under actuated manipulator. So now let us derive the homogeneous transformation matrices. So इसमें कुछ नया नहीं करना है, that is only mathematics. So ये मैंने आपके reference के लिए DH table copy कर दिया है। So सबसे पहले we will write the first transformation that is T1 with respect to 0. So from DH table ये तो आपको आता ही है, this is basic. So we have theta 1, L1 and 90. सो सबसे पहले हमें रोटेशन z एक्सिस पे करनी है थीटा 1, देन ट्रांसलेशन z एक्सिस पे करनी है बाय L1, देन अल्फा आई मतलब वी हैव टू रोटेट अबाउट द x एक्सिस बाय 90 डिग्री। सो इन तीनों मैट्रिसेस की इंडिविजुअल वैल्यू आप ये लिखोगे, इसको आप सॉल्व करोगे बिकॉज कॉस और साइन की वैल्यू आपको पुट करनी है, देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले है रोटेशन अबाउट द z एक्सिस बाय थीटा 2। सो दिस इज रोटेशन अबाउट z एक्सिस बाय थीटा 2 फॉलोड बाय ट्रांसलेशन अबाउट द x एक्सिस बाय L2। सो दिस इज ट्रांसलेशन अबाउट द x एक्सिस बाय L2। इन दोनों की वैल्यूज आप पुट करोगे मैट्रिसेस की जब आप इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे। सो यू विल गेट दिस एज द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ अपनी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दिस इज थीटा 3 यानी के z एक्सिस के अबाउट थीटा 3 रोटेशन हो रही है। सो z एक्सिस के अबाउट थीटा 3 एंड देन ट्रांसलेशन हो रही है L3 यूनिट्स अबाउट द अलोंग द x एक्सिस। सो ये हो गई L3 हो गई अपनी ट्रांसलेशन अलोंग द x एक्सिस। सो जब आप इन दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू पुट करोगे, सो ये वैल्यू और ये इसकी वैल्यू है, यू जस्ट डू मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट दिस वैल्यू। सो ये अपनी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सिमिलर अप्रोच फॉलो करते हुए वी विल ऑल्सो कैलकुलेट दी फोर्थ एंड द फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये अपनी फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यानी थीटा 4 + 90 डिग्री दैट इज़ द रोटेशन अबाउट द z एक्सिस बाय थीटा 4 + 90 फॉलोड बाय रोटेशन अबाउट द x एक्सिस बाय 90 डिग्री। सो z एक्सिस के अबाउट थीटा 4 + 90 डिग्री से रोटेट कराया, उसके बाद x एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया हमने 90 डिग्री से, ठीक है। सो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया अपना, ये सेकंड मैट्रिक्स हो गया। इन दोनों की वैल्यूज पुट करोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस आंसर। सो मैथमेटिक्स तो आप ही को सॉल्व करनी है, ओनली यू हैव टू डू दी मैथमेटिक्स, ओके। सो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिफ्थ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दिस इज थीटा 5, दिस इज रोटेशन अबाउट द z एक्सिस बाय थीटा 5। यहाँ पे L4 0 है, देयरफॉर ओनली पैरामीटर्स L5। ये है अपना ट्रांसलेशन along the z axis by L5. So this is translation along the z axis by L5 because L4 तो अपना already 0 है ना। So this is L5, ठीक। So इन दोनों की values आप put करना, multiply करना, you will get this answer, ठीक है। So now we have to calculate the overall transformation matrix. ये operation तो हम शायद 100 बार तो कर ही चुके होंगे। So there is nothing new in this. Only you have to follow this particular sequence of multiplication and you will be getting the overall transformation of frame 5 with respect to frame 0. So we will now see the values of it. So ये इसकी value है. So because the values are very large और मैंने इसको simplify नहीं करा है because it will take lot of time. So अगर आप really में किसी single board computer पे अपने algorithm को implement कर रहे हो तब तो वो हार्ड वर्क करना जो इसको सिंप्लीफाई करने में लगेगा, बिकॉज वहाँ पे हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करेंगे। यानी कि अगर मैंने थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 को ऐड कर दिया, सो अगर मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया तो वहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ खाली एनालिटिकली ऑन पेन एंड पेपर, देन वहाँ पर आप सिंप्लीफाई मत करना, उसी में ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन इन इट्सेल्फ इज़ अ वेरी जायंट एक्सरसाइज, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो मैंने क्या करा है, आई हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग मैटलैब, और इसके चार कॉलम्स होंगे, ठीक। सो दिस इज़ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। सो बिकॉज यहाँ पे पेपर की लिमिटेशन है, हमने क्या करा है, आई हैव रिटन द वैल्यू। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉलम 1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉलम 2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉलम 3 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉलम 4, ठीक। सो आपसे एग्ज़ाम में तो कोई भी नहीं पूछेगा इसको सॉल्व करना, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट इवन इन 1 और 2 आवर्स, ठीक है ना, और वो भी कोई ना कोई मिस्टेक कर दोगे। सो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में ये इस टाइप का क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं, बट बिकॉज वी आर डूइंग इट, सो आई हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग मैटलैब। एंड अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए आंसर क्या होगा, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई द अबव इक्वेशंस फॉर द होम पोजीशन। होम पोजीशन में हमको ये वैल्यूज़ पुट करनी है, सो वी विल पुट थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 एंड थीटा 5 इक्वल टू 0 डिग्री इन द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया है, दैट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 कॉलम्स। इसमें हमें ये सारी वैल्यू पुट करनी है। सो जैसे ही मैं थीटा 0 पुट करूँगा, सो आई विल गेट cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3, cos थीटा 4 एंड cos थीटा 5 all will be equal to 1, and sin थीटा 1, sin थीटा 2, sin थीटा 3, sin थीटा 4 एंड sin थीटा 5 ये सारे के सारे sin 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री, और ये cos 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 1 डिग्री। सो ये 10 पैरामीटर्स आप इसमें पुट करोगे और सॉल्व करोगे, सो यू विल अल्टीमेटली गेट द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। So this is the overall transformation matrix simplified for the home position. इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, कि जो हमने इतनी सारी मैथमेटिक्स करी है, ये जो हमने सारी मैथ करी है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो हमारा होम पोजीशन के लिए मैट्रिक्स आया है, क्या ये हमारे कोऑर्डिनेट फ्रेम असाइनमेंट के साथ जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। अगर कहीं पे भी आपने एक प्लस माइनस की भी मिस्टेक करी होगी, सो ये जो ओरिएंटेशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ट्रांसलेशन है, ये मैच नहीं करेगा, कहीं ना कहीं पे एरर आ जाएगा। सो हम होम पोजीशन पे इसीलिए कैलकुलेट करते हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स वी शैल बी एबल टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द मॉडल। सो लेट अस नाउ वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द मॉडल। सो वेरीफिकेशन फॉर द होम पोजीशन हम करने वाले हैं। ये जो अपना है, दिस इज़ दी कोऑर्डिनेट फ्रेम, ये वही कोऑर्डिनेट फ्रेम है जो हमने असाइन करा था, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सिंप्लीफाइड फॉर दी होम पोजीशन, ठीक है। सो अभी हम एलिमेंट बाय एलिमेंट इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो अगर मैं कॉलम 1 देखता हूँ, रोटेशन पार्ट का, सो दिस इज़ कॉलम 1 ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स। इसका जो ये एलिमेंट है, सो दिस इज़ u डॉट प्रोडक्ट z, और दोनों की वैल्यू आ रही है 1, दैट मीन्स एंगल बिटवीन u एंड z शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब u और z एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। सो इसको हम अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम से वेरीफाई कर लेते हैं। सो ये जो u है, ये क्या है, अपने मूविंग फ्रेम की वो एक्सिस जो कि x के अलोंग है। सो मूविंग फ्रेम अपना फ्रेम 5 है, इसकी वो एक्सिस जो x डायरेक्शन में है, सो दिस इज़ नथिंग बट u, ठीक, ये, और z क्या है, अपने फिक्स्ड फ्रेम की वो एक्सेस जो कि z के डायरेक्शन में है, यानी z 0। अब देखो z 0 भी ऊपर जा रही है, x 5 भी ऊपर जा रही है, यानी दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो हमको फर्स्ट कॉलम से पता चला। अब हम देखेंगे इस एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, ठीक। सो ये जो एलिमेंट है, दिस इज़ v डॉट प्रोडक्ट विथ y, और दोनों की वैल्यू आ रही है -1। सो दिस इज द सेकेंड कॉलम है, इस कॉलम में देख रहे हैं, ठीक। अब दोनों की वैल्यू -1 है। सो v जो है, v बनाते हैं सबसे पहले अपने फिक्स्ड, अपने मूविंग फ्रेम की वो एक्सेस जो कि y के डायरेक्शन में है, उसको v बोलते हैं। सो दिस इज v। अब y क्या है, y है अपने फिक्स्ड फ्रेम की वो एक्सेस जो कि y डायरेक्शन में, सो दिस इज़ y। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, बिकॉज इनका डॉट प्रोडक्ट -1 है। सो क्या दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री आ रहा है? सो ये जो y है दिस इज गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, और ये जो मूविंग फ्रेम का y एक्सिस है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. सो दिस इज इनसाइड स्क्रीन, दिस इज आउटसाइड स्क्रीन, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री. ठीक है, सो ये अपना वेरीफाई हो गया. नाउ अपना ये वाला जो एलिमेंट है, सो दिस एलिमेंट इज w डॉट x, और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है थर्ड कॉलम में. सो मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ. ठीक, सो जो अपनी w एक्सेस है, w होती है मूविंग फ्रेम की z एक्सेस, यानी कि ये एक्सेस दिस इज w. x होती है अपने फिक्स्ड फ्रेम की x एक्सेस, यानी कि ये, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए. सो अपनी w इस डायरेक्शन में है, x इस डायरेक्शन में है, सो दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 है. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारे 3/3 का जो रोटेशन पार्ट है दैट इज़ वेरीफाइड, जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है होम पोजीशन के लिए, और हमारे जो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं यानी कि फिक्स्ड फ्रेम और मूविंग फ्रेम, दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस को और कोऑर्डिनेट फ्रेम को जस्टिफाई कर रहे हैं. अब हमें वेरीफाई करना है अपना डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो अपना मूविंग फ्रेम का ओरिजिन है यानी ये पॉइंट, और जो फिक्स्ड फ्रेम का ओरिजिन है यानी कि ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है अलोंग द 3 डायरेक्शंस. सो ये जो फर्स्ट है इसका एलिमेंट दिस इज डी एक्स, दैट मीन्स मूविंग फ्रेम का डिस्टेंस, मूविंग फ्रेम के ओरिजिन का डिस्टेंस फिक्स्ड फ्रेम के ओरिजिन के डिस्टेंस से इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स 0 कितने यूनिट्स पे है, यानी इस डायरेक्शन में इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स 0. सो इसका सिंपल सा आंसर है L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, बट L4 तो हमारा 0 है. सो इसका आंसर है L2 प्लस L3 प्लस L5. सो ये हमको अपने फर्स्ट एलिमेंट से मिल गया है L2 प्लस L3 प्लस L5. ठीक है, सो ये अपना dx वेरीफाई हो गया. नाउ ये जो एलिमेंट है dy, this is the distance of the origin of the moving frame from the origin of the fixed frame along the direction of y0. So y0 अपना computer screen से inside है, but ये जो अपनी figure है this is in a computer screen के plane पे हमने बनाई है, ये वाली figure और ये वाली figure. Therefore inside the computer screen यानी कि third dimension में origin of frame 0 and origin of frame 5 के बीच में जो distance है वो 0 है, that is given by this second element. अब ये जो थर्ड एलिमेंट है L1, ये जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज़ dz. सो अगर dz की मैं बात करूं, सो दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मूविंग फ्रेम फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फिक्स्ड फ्रेम अलोंग द z0 डायरेक्शन. सो z0 की डायरेक्शन में इस पॉइंट का इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? सो इसका आंसर है L1. सो दिस इज़ द डिस्टेंस L1. सो दिस इज़ ऑल्सो शोन इन दी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल. सो हमने dz को भी वेरीफाई कर लिया. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन हमारा वेरीफाइड हो गया और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन अपनी वेरीफाई हो गई. सो वी कैन से दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल इन द होम पोजीशन. सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड टुडेज लेक्चर ऑन द 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम अंडर एक्चुएटेड मैनिपुलेटर. सो आई होप आपको समझ आ गया हो. अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन जस्ट कमेंट or you can write a mail to my email id that is mentioned in the about section of the YouTube channel. ठीक, so इसके बाद we are going to solve 2 more problems related to forward kinematics. So दोनों के दोनों 6 degree of freedom के question होंगे and both are going to be good questions. So stay tuned for upcoming videos and thank you very much for watching this video.